हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरवला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे आईएएस ऑडिट प्रोसेस, और आईएएस ऑडिट और प्रोसेस में हम ऑडिट की प्रोसेस पढ़ने लग गए थे, जो कि हमें और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन उसको फिर भी एक बार हम थोड़ा सा रिफ्रेश करना स्टार्ट किया था हमने, और इसलिए रिफ्रेश करना स्टार्ट किया था क्योंकि हमने ऑडिट बहुत किए हैं, लेकिन आईएएस ऑडिट में इन सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आईएएस ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का मतलब यह है, सीआईएस ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम तो बहुत पहले से था, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम आज की डेट में सीआईएस में तब्दील हो गया, यानी कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में तब्दील हो गया है। एक ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उभर कर आ गए हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी आ गए। पहले एक अकाउंटेंट होता था, उसके पास किताबें होती थी, और वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू ही नहीं होता था, वहाँ पर ये होता था अवेलेबिलिटी का इशू होता था। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ गई और कई जगह पर अवेलेबिलिटी हैम्पर हो गई, जैसे ATM में कई बार अवेलेबिलिटी हैम्पर हो जाती है वहाँ पर। तो मतलब एक डिफरेंट परस्पेक्टिव आ गया, डिफरेंट तरीके की चीज़ आ गई, और ये कई कॉन्सेप्ट्स हमें हाईलाइट करने पड़े। तो उसी तरीके से, और हमने ये भी जाना था कि जो CIS सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, वो 100% कंप्यूटराइज नहीं होते हैं। अगर दो कंप्यूटर भी रख दिए, एक कंप्यूटर भी रख दिए, तो इन्वायरमेंट स्टार्ट हो गया कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट। ये ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है, ये हमने पढ़ा था और हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल वे में हमने पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये, जब तक 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आ जाती, तब तक 100% कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट नहीं आ जाएंगे। और 100% कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट नहीं आएंगे, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये होगा पार्टली मैनुअल है, पार्टली कंप्यूटराइज्ड है। तो अब हम इस एनवायरनमेंट में ऑडिट करने जा रहे हैं, और इस एनवायरनमेंट में ऑडिट ट्रेल गायब हो जाती है, और चूंकि ऑडिट ट्रेल गायब हो जाती है तो ऑडिट प्लान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये दिखाना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है, आपको एविडेंस रखना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, और आपको ये दिखाना पड़ता है कि जो मैं रीजनेबल ऑडिट रिस्क आपका बढ़ गया है, रिस्क बेस्ड ऑडिट हो गया। जैसे जैसे IT होगा, वैसे वैसे रिस्क बेस्ड ऑडिट हो जाएगा। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने तो अपनी पूरी तैयारी की और उसके अनुसार मैंने रीजनेबल एश्योरेंस दिए, पीयर रिव्यू और कई और चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो ऑडिट प्लान हम सबसे पहले बनाएंगे, ऑडिट प्लान का एक डिलीवरेबल होगा ऑडिट प्रोग्राम। तो मैंने एनालॉजी ली थी मकान बनाने की, और मैंने कहा था मकान जब बनाते हैं, ज़मीन जब खरीदते हैं, तो मकान कैसी भी बन सकता है, उसकी प्लानिंग आप करते हो, लेकिन फिर आप एक प्लानिंग करने के बाद एक आर्किटेक्ट बैठता है और वो एक प्लान क्रिएट कर देता है, एक ड्राइंग नक्शा क्रिएट कर देता है। उसी तरीके से ऑडिट प्रोग्राम है, नक्शा यूनिक है हर बिल्डिंग के लिए, उसी तरह ऑडिट प्रोग्राम हर ऑडिट के लिए यूनिक है। जब ऑडिट करने जा रहे हो, उस ऑडिट के लिए यूनिक है, अगले ऑडिट करने जाओगे तो दूसरा ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। यानी ऑडिट प्लान लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म हो सकता है, लंबा हो सकता है, वेग हो सकता है, लेकिन ऑडिट प्रोग्राम नहीं हो सकता है। ऑडिट प्लानिंग का ही ऑडिट प्रोग्राम एक पार्ट है। फिर ऑडिट प्रोग्राम में हमने जाना था, ऑडिट स्ट्रेटेजी, मेथोडोलॉजी जो भी आप कहें वो होती है, और मेथोडोलॉजी भी आपकी कुछ होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होती हैं। मतलब आप मकान बनाओगे तो जब दीवार खड़ा करोगे तो एक ही पर्टिकुलर तरीके से, मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। स्विमिंग पूल बनाओगे तो बहुत ज़्यादा मेथोडोलॉजी उसमें डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंट आर्किटेक्चर नहीं होगा। अगर बाथरूम बनाओगे तो या किचन बनाओगे तो उसके आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक पर्टिकुलर कॉस्ट लॉट में, एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ थोड़े से वेरिएशंस होंगे। उसी तरीके से ऑडिट स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सब्सटेंटिव अप्रोच होती है, सिस्टम बेस्ड अप्रोच होती है, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच होती है, डायरेक्शनल टेस्टिंग हो सकती है, और रिस्क बेस्ड अप्रोच हो सकती है। IT ऑडिट में आप रिस्क बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करोगे। ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंडर ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स सब्सटेंटिव और कंप्लायंस हो सकते हैं, या आप दूसरे प्रोसीजर्स यूज़ कर सकते हो। जैसे एक सब्सटेंटिव और कंप्लायंस में भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, रीपरफॉर्मेंस कर सकते हो, और बाकी चीज़ें कर सकते हो। तो यानी ऑडिट प्रोसीजर कौन से अपनाने हैं, या आप देखोगे ऑडिट प्रोग्राम में फिर फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अब आपने नक्शा फ्रीज कर दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इस नक्शे के अंदर ऑडिट मेथोडोलॉजी है, ऑडिट स्ट्रेटेजी है। मेथोडोलॉजी के बारे में भी हमने पढ़ा था, और ये जाना था कि एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी होती है, लेकिन जब हम मकान बनाना चालू करेंगे तो बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि